हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ साइड बन एंड ब्राइड हेयर स्टाइल, जो कि कमेंट में मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मैम साइड चोटी का वीडियो शेयर कीजिए। और कल मैंने अपलोड किया था गजरे के साथ हेयर स्टाइल, जो कि वो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तीन हेयर स्टाइल है जो कि गजरे के साथ आप लोग बना सकते हो शादी पार्टी में, या गणपति बप्पा का जो विसर्जन होता है उसमें आप बना सकते हो। तो चलिए आज का हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और मेरे दूसरे चैनल सिलाई कोच प्रीति तिवारी पर जरूर जाके देखिएगा, अगर पसंद आए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके बाल भी मेरी तरह बहुत छोटे हैं, जैसे मैंने अभी कट किया था, कट किया उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, अगर छोटे हैं तो आप हेयर असिस्टेंट ऐड कर सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, लास्ट वाले वीडियो में मैं आर्टिफिशियल हेयर ऐड करके दिखाऊँगी। ओके, पहले मैं ऐसे साइड पार्टिंग ले रही हूँ बालों की, आप चाहो तो बीच मांग से भी बना सकते हो। साइड पार्टिंग लेने के बाद से सिंपली यहाँ से ट्विस्ट करोगे, जिसको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आता है वो भी बना सकता है ये हेयर स्टाइल। मैंने बालों में क्रिम्पिंग किया था, जैसे कि ब्राइडल जुड़ा बन बताने के लिए, तो अभी तक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर आपको लेयर्स निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, और अगर आपका फेस बहुत छोटा है, माथा बहुत छोटा है, तो आप लेयर्स मत निकालिएगा। ओके, इस तरीके से ट्विस्ट करने के बाद से हल्का सा पुल करेंगे, ताकि आपको हल्का सा पफ का लुक मिल जाए। और यहाँ पे आप इसको टिक टैक क्लिप या फिर बॉबी क्लिप से सेट कर सकते हो। जब भी आप क्लिप लगाते हो तो क्लिप को हमेशा क्रॉस करके लगाइए, इससे आपका हेयर स्टाइल लॉन्ग लास्टिंग रहता है और खिंचता भी नहीं है। ओके, इस साइड के सारे हेयर को इस तरीके से पकड़ेंगे, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, आगे की तरफ पुल करके हल्का सा पफ का लुक देंगे, और यहाँ पे भी क्लिप ऐड कर देंगे। ओके, इसके बाद सारे बालों को एक साइड में लेके आएंगे। यहाँ पे आप एक रबर बैंड लगा लोगे, जब भी आप साइड पोनी रखते हो तो यहाँ पे एक होल कीजिए, इसके अंदर से फिंगर इंसर्ट करके सारे हेयर को इस तरीके से ट्विस्ट कर लीजिए। इससे आपकी पोनी अच्छी दिखती है और आपका प्रॉपर जगह पे रहती है। उसके बाद से आप थोड़ा सा हेयर का पार्ट लेके और ये रबर बैंड को हाइड कर दीजिए। पतला रबर लगाइएगा यहाँ पे, ताकि आपका रबर बैंड इजीली हाइड हो जाए। ओके, इसको आप यू पिन से सेट कर सकते हो। दीजिएगा डिब्बो, यू पिन या बॉबी क्लिप, जिससे भी आपको इजी हो आप उससे सेट कर लीजिएगा। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया साइड ब्रेड के साथ। तो मेरे हेयर छोटे हैं इसलिए मैंने ऐसे किया, अगर आपके लंबे हों तो आप सिंपल छोटी थ्री लेयर्स वाली बना सकते हो, अगर छोटे हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हो। ओके, और सेकंड हेयर स्टाइल में मैं अपना जो फ्रंट का हेयर है मेरा ऐसे ही रखेंगे, और सेकेंड में आपको सिंपली इस हेयर को ओपन करके यहाँ पर हमने पोनी बनाई हुई है, और एक्स्ट्रा हेयर को ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करके सिंपली एक बन का लुक देंगे, इतने ही छोटे बालों में। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आप आर्टिफिशियल चोटी वगैरह यूज कर सकते हो, अगर शादी पार्टी में आप बना रहे हो ये बन तो, और चाहो तो आप मेरी तरह कर सकते हो। बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से बाल मेरा निकल जा रहा है। ओके, तो ये हमारा
सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। ऊपर का लुक मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है। आप चाहो तो इसके साथ कोई वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं वो ऐड कर सकते हो तो और भी अच्छा दिखेगा। तो ये हमारा साइड बन हो गया, सेकेंड हेयर स्टाइल। थर्ड हेयर स्टाइल में हमको, तीसरे हेयर स्टाइल में आपको इस तरीके से एक पोनी बना लेनी है। पोनी बनाने के बाद से आप छोटा वाला डोनेट यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप छोटा ही डोनेट यूज कीजिएगा, अगर बड़ा है तो आप बड़ा वाला भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से डोनेट यूज करेंगे यहाँ पे, और सारे हेयर्स को इस तरीके से लेके आएंगे नीचे की तरफ से। इस तरीके से खींच के हेयर को, जो आपके डोनेट पे लपेटा हुआ हेयर है उसको आप अपने बन के चारों तरफ इस तरीके से लपेट देंगे और यू पिन से इसको सेट करेंगे। तो ये वाला क्विक इजी सा आपका बन बन जाएगा, बहुत ही जल्दी बना लोगे आप इसको सिंपली एक बार राउंड में लपेटने के बाद से। और ये इस तरीके से अच्छे से छोटे छोटे जो लेयर्स निकल जाते हैं उनको आप अच्छे से पकड़ के और यू पिन से सेट कर दीजिएगा फिर बॉबी क्लिप से। और जहाँ से भी आपका डोनेट दिख रहा है उसको आप हाइड कर लीजिएगा, या आप चाहो तो किसी का हेल्प भी ले सकते हो। और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया, आपको मिरर में भी दिख रहा होगा, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और है तीनों हेयर स्टाइल बहुत ही इजी हैं, आप कोई भी बना सकते हैं, बैगिनर्स हैं तो भी बना सकते हैं। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट लगा आज के लिए, ये तीन ही हेयर स्टाइल हैं। तो अगर आपको लंबी चोटी पे हेयर स्टाइल देखना है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं लंबी चोटी के साथ भी बता दूंगी साइड ब्राइड हेयर स्टाइल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इंस्टा आईडी है प्रीति24, तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मेरी रील्स वीडियो देखने को मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।